हेलो स्टूडेंट्स, वी डबल आई सी में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिसने भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज भी एक महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती से संबंधित मैं न्यूज़ लेकर के आया हूँ। हम सब जानते हैं कि जब से शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है और उसके बाद से ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, मेरिट लिस्ट को डिस्क्लोज किया गया है, तब से ही ये काफ़ी विवाद का विषय बना रहा है। और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि लोगों ने इसकी जो शिकायत है, इसमें जो अनियमितताएं आई गई हैं, अब मेरिट लिस्ट की भी अनियमितताओं को, पहले तो ये व्यापम से पीवी से शिकायत करते थे, लोक शिक्षण संचालनालय से शिकायत करते थे, अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी कर दी गई है। दोस्तों, तो जानते हैं कि वो ऐसी क्या अनियमितता है मेरिट सूची में जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री सीएम से की गई है। वैसे तो इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और इन्हीं अनियमितताओं की वजह से और इनका निराकरण करने के लिए कोर्ट केस किए जा रहे हैं, कई सारे आंदोलन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि वो ऐसी क्या प्रमुख शिकायत हैं जो कि डिस्क्लोज हुई हैं। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि प्रमुख न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो पहली शिकायत है, ये शिकायत की है मेरिट लिस्ट में अनियमितता से संबंधित बरेली के निवासी ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा। उन्होंने अंग्रेजी विषय में वर्ग दो की परीक्षा दी थी। इसकी ओपन रैंक यानी सामान्य वर्ग से 4084 आई थी और जब इसे समायोजित किया गया तो इनकी रैंक बढ़कर 4150 पहुंच गई। यानी तब भी ये 6629 के अंतर्गत ही आ रहे थे, लेकिन इन्हें वेटिंग लिस्ट में भी नहीं रखा गया, जबकि 8936 को सीधे चयन सूची में रख दिया गया। तो इसका क्या कारण रहा है? इसका जवाब जब पीवी से मांगा गया, लोक शिक्षण संचालनालय के जिम्मेदार व्यक्तियों से मांगा गया, तो उनके द्वारा कहा गया कि भर्ती में किसी भी प्रकार की मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है, जो भी मेरिट लिस्ट बनी है वो बिल्कुल सही है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसी टाइप की केस टू की। तो जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, इसमें कहा गया है रायसेन जिले के रहने वाले स्वर्णकांत आचार्य ने, जिनकी रैंक 4300 आई थी, लेकिन इन्हें भी काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया। हद तो ये है कि स्वर्णकांत को भी वेटिंग लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया। कई दफ्तरों के इन्होंने चक्कर लगाए, लोक शिक्षण संचालनालय भी गए, उसके बाद भी किसी ने इन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे संबंधित कई शिकायतें जब लोक शिक्षण संचालनालय के जिम्मेदार अधिकारियों से की गईं तो उनके द्वारा कहा गया कि जो भी हमने मेरिट लिस्ट जारी की है उसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है, हमारे द्वारा बारीकी से जाँच कर ली गई है, किसी प्रकार की कोई भी कमी इसमें नज़र नहीं आती। जब वहाँ पर काम नहीं बना तो अब इन शिकायतों को लेकर के मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखे जा रहे हैं, उनको पत्र लिखे जा रहे हैं, उनको संज्ञान करवाया जा रहा है और इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आप इस मेरिट सूची को फिर से स्टडी करवाइए, फिर से ठीक ढंग से इसका अध्ययन करवाइए, ताकि जो भी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं वो अब इस नई मेरिट सूची में देखने को नहीं मिले और जो अनियमितताएं हो चुकी हैं उनको सुधार करने की प्रक्रिया की जाए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक बड़ी न्यूज़ ये भी आई है कि जो बाहर के उम्मीदवार हैं, जो कि मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, उनका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इसमें हुआ है। और उम्मीदवारों का कहना है कि इसमें जो है बाहर के, जो मध्य प्रदेश से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको प्रेफरेंस दिया गया है और वोट्स भी ठीक ढंग से डिस्क्लोज़ नहीं की गई हैं, जिससे कि लगभग 100% पर बाहरी अभ्यर्थियों ने कब्जा जमा लिया है। तो अब मध्य प्रदेश के युवा रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का क्या होगा? तो दोस्तों, इस पूरी न्यूज़ को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्रमुख समाचार पत्रों में ये हेडलाइन प्रमुखता से दी गई है कि सभी पदों पर जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक है चाहे दो हो, उसमें अधिकांशतः बाहरी उम्मीदवार जो कि मध्य प्रदेश में निवास नहीं करते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है और उनको ये प्रेफरेंस दिया गया है। जबकि बाहरी उम्मीदवारों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वे अपनी योग्यता से ही इन पदों पर नियुक्त हुए हैं। तो अब ये तभी पता चलेगा जब इसका डिस्क्लोज़ किया जाएगा, इसको ओपन किया जाएगा और इसकी जाँच गंभीरतापूर्ण की जाएगी, तभी इसकी जानकारी खुल करके सामने आ सकती है। चूँकि काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है इसलिए अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही, ये आवश्यक न्यूज़ थी जिसे मैंने बताना उचित समझा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।